WCC World Cup 2023 की सीरीज का ये पांचवा मैच और ये मैच रहने वाला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया टीम हमने चूज कर ली है स्क्वाड, ये है आपके सामने और शुरुआत हो चुकी है इस मैच की। चेन्नई के स्टेडियम में ये मैच रहने वाला है और ज़्यादातर के हमने देखा है कि चेन्नई के स्टेडियम में उतने ज़्यादा रन नहीं बनते, तो आज के मैच में क्या कुछ होता है देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर टॉस हो चुका है और टॉस हम हार चुके हैं और हमारी ओपोनेंट टीम यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन ने चूज़। Let us all rise for the national anthem. तो हम ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन ने चूज़ किया है बैटिंग करना और पहले वो बैटिंग करेंगे और हमारी टीम दिखेगी फील्डिंग करते हुए या बॉलिंग करते हुए। और जॉश इंग्लिस और डेविड वॉर्नर ये दोनों आए हैं यहाँ पर और ये दोनों शुरुआत करेंगे अपनी टीम की तरफ से एज एन ओपनर। ये कैसा खेलते हैं वो हम देखना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर है 474 रन्स 9 विकेट के नुकसान पर और रविंद्र जडेजा ने सबसे ज़्यादा रन्स दिए हैं और वैसे तो किसी ने भी कम रन नहीं दिए हैं। शुभमन गिल स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रोहित शर्मा को हमने रखा है, पर चेज़ की हम क्या बात करें और क्या चेज़ करें इसमें, क्योंकि 476 या 477 रन्स बनाना ये काम बहुत मुश्किल रहता है और आज के इस मैच में, और वैसे तो ये काम हमने कभी किया ही नहीं है 476 या 477 रन चेज़ आज तक के हमने नहीं किया है। WCC2 का गेम रहा हो या फिर ये WCC3 हो, 475 कैसे होगा ये काम देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर हर बॉल पर अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। पीछे की तरफ ये शॉट खेला है, पहला रन ले लिया है, दूसरे रन की कोशिश, क्योंकि हर बॉल पर सिंगल को डबल में तब्दील करना और डबल को एक ट्रिपल करने की कोशिश आज के मैच में ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बॉल पर एक डबल मिल चुका है, यहाँ पर फिर से पीछे की तरफ शॉट खेला है, उसी तरफ खेला है और ओ हो हो इस बार गैप में थी ये बॉल और इसी के साथ चौका मिल चुका है। दो बॉल में 6 रन शुभमन गिल पर, दो बॉल में 6 रन तो हम ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत बड़ा हमने तीर मार दिया। 475 रन्स का टारगेट है। आज के इस मैच से भले हमारी टीम जीते हारे वो एक अलग बात है, अगर हम जीत भी जाएं तो भी आज के मैच से हम खुश नहीं हैं, हमारी टीम से खुश नहीं है, क्योंकि 474 रन्स बन गए सामने वाली टीम की। आप क्या कर रहे थे, बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें। यहाँ पर फिलहाल एक अच्छा प्लेसमेंट था और टाइमिंग बहुत ही लाजवाब थी। प्लेसमेंट तो उतना अच्छा नहीं था पर टाइमिंग कमाल की थी और उस टाइमिंग के चलते यहाँ पर एक चौका मिला है। पहले ओवर की 4 बॉल हो चुकी है और 12 रन आए हैं इस पहले ही ओवर में। यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल, टाइमिंग इसकी परफेक्ट है और एक और चौका। इस ओवर में 16 रन आ चुके हैं, एक बॉल अभी भी बची हुई है और बची हुई बॉल पर भी एक चौका मिल जाए ऐसा हम चाहेंगे, क्योंकि कितने रन्स बनते हैं आगे के ओवर में उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर फिर से एक और चौका हमने निकाल दिया है। कई बार ऐसा होता है ना कि बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की बॉल रहती है और विकटों पर ख़त्म होती हुई, विकटों की लाइन में वो यॉर्कर लेंथ की बॉल, वो जो शॉट है ना वहाँ पर शॉट खेलना, वहाँ पर एक चौका निकालना, वो काम बहुत ही मुश्किल रहता है। पहली बात तो वहाँ पर बॉल को कनेक्ट कराना ही बहुत मुश्किल रहता है, पर खैर वो कनेक्ट यहाँ पर ये जैसा ये शॉट था, अगर ये बिल्कुल वैसे थोड़ा सा विकटों की लाइन में और होती तो काफ़ी ख़तरनाक रहता ये शॉट। ज़्यादातर के हम कोशिश करते हैं कि सामने की तरफ खेलें, जैसे कि ये यॉर्कर लेंथ की बॉल है, ऐसी यॉर्कर लेंथ की बॉल्स पर ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते एज अ प्लेयर। और 73 रन्स बना दिए हमारी टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर और रोहित शर्मा और ईशान किशन ने 50 रन्स की पार्टनरशिप पूरी कर ली है, 22 बॉल में 50 रन्स की पार्टनरशिप। यहाँ पर एक अच्छा सिंगल और इस एक सिंगल के साथ 400 रन बचे हैं बनाने को
75 रन हमारी टीम ने बना दिए और 400 रन अभी और बनाने हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ ये शॉट खेला है, टाइमिंग परफेक्ट है और एक और चौका, क्या बात है। करंट रन रेट 11.4 का है, बजाय इसके रिक्वायर्ड रन रेट 9.2 का चल रहा है। यहाँ पर टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों ही अच्छी नहीं थी। और इस ओवर की अगर हम बात करें तो इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 ही रन आए हैं और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर एक सिंगल निकाल लिया हमने और इसे एक सिंगल के साथ 5 रन का ये ओवर रहा। कैसे ये रन चेज होगा हमें तो कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर फिलहाल पहले वाले ओवर में हमने 20 रन निकाले, इसके पहले वाले ओवर में 5 रन और 25 रन अभी तक के हम बना चुके हैं। यहाँ पर सामने की तरफ शॉट है, 2 लेने की कोशिश और इन 2 रनों के साथ वापस से स्ट्राइक रन पर आ चुके हैं केएल राहुल। और हम कोशिश करेंगे कि केएल राहुल यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक लें, क्योंकि ईशान किशन की हाफ सेंचुरी पूरी होने वाली है तो पहले वो पूरी हो जाए। यहाँ पर सामने की तरफ ये शॉट है और एक और बाउंड्री, एक और चौका मिला है। काफ़ी कमाल का ये शॉट था, 12 बॉल में 30 रन। यहाँ पर फिर से सामने की तरफ शॉट है, एक और चौका, इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं और अभी तक के हमारी बात करें तो 35 रन बनाए हैं हमने। केएल राहुल ने भी 35 रन बनाए हैं 11 बॉल में 35 रन। यहाँ पर गैप में शॉट खेला है और इसी के साथ एक चौका मिलता हुआ। प्लेसमेंट बहुत ही लाजवाब थी, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी पर प्लेसमेंट क्या कमाल की थी और उसी के चलते यहाँ पर एक चौका मिल चुका है। दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रखे हुए हैं इस मैच से, इंडियन टीम से खास करके, कि वो चेज़ कर सकती है इस रन को। और वैसे चेज़ तो हम ही कर रहे हैं फिलहाल, यहाँ पर हमें कैसे चेज़ होगा इसका कोई ऐसा प्लान नहीं है। बस प्लान यही है कि हर बॉल पर स्ट्राइक रोटेशन करना है, यहाँ पर हो नहीं पाया। और यहाँ पर फिलहाल स्ट्राइक रोटेशन किया जा सकता है। पीछे की तरफ फाइन लेग की तरफ खेला है और एक और रन निकाला है, 2 रन यहाँ पर मिल सकते हैं, भागे हैं, डाइव की ज़रूरत नहीं है, पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँच चुके हैं। इसी के साथ इस ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है और हमारी टीम का यानी कि इंडियन टीम का स्कोर है 197 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ईशान किशन पहुंच चुके हैं 61 रन पर, मात्र 37 बॉल्स में 61 रन पर वो पहुंच चुके हैं। केएल राहुल जा चुके हैं पर विराट कोहली आए हैं अभी और विराट कोहली ने 6 बॉल में 16 रन बनाया है, इसे एक डबल के साथ 6 बॉल में नहीं माफ़ कीजिएगा 8 बॉल में 16 रन और इस एक बॉल के साथ 9 बॉल में 18 रन। फिर से पीछे की तरफ शॉट खेला है, डबल यहां भी लेना चाहिए, पहुंच जाएंगे और बिल्कुल पहुंच चुके हैं। 201 रन इंडियन टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। यहां पर यॉर्कर लेंथ की बॉल है, पॉइंट के फील्डर के बगल से खेलने की कोशिश, वहां पर अच्छा गैप मौजूद है, एक रन आसानी के साथ मिला। 202 रन बना दिए हमने और अभी यहाँ से इसका डबल से भी ज़्यादा काम बचा हुआ है। इसका डबल से ज़्यादा नहीं, मतलब इसका डबल, खैर क्या बताएं, यहाँ पर तो फिलहाल इसको चेज़ करने में हम कंफ्यूज हो गए हैं। 200 रन हमने बनाए हैं और इसके डबल से ज़्यादा टारगेट है ये हम कह सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल ये यॉर्कर लेंथ की बॉल सामने की तरफ शॉट खेला है, प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी, यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए थी क्योंकि अगर वो डाइव लगाते तो यहाँ पर एक रन हम नहीं ले पाते। और इस ओवर में 7 रन बनाए हैं हमने अभी तक के। सामने की तरफ ये शॉट है, एक रन ले लिया है, दूसरे रन के लिए भागे भी नहीं, अच्छा किया। और इस ओवर में अभी तक के 8 रन आ चुके हैं और विराट कोहली की अगर हम बात करें तो 27 बॉल में 45 रन, 45 रन। सामने की तरफ ये शॉट है, चौका मिलेगा या नहीं देखना होगा, चौका नहीं, नहीं नहीं चौका नहीं मिल पाएगा, पर कोई बात नहीं, इन 2 रनों के साथ वापस से स्ट्राइक का रन पर आ चुके हैं विराट कोहली, 28 बॉल में 47 रन। काफ़ी सारे प्लेयर ने एक अच्छा साथ दिया पर जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर किसी एक प्लेयर की सेंचुरी आए वो नहीं आ पा रही है और हम
बिल्कुल ज़्यादा चाहते हैं कि यहाँ पर किसी की सेंचुरी आए, क्योंकि 475 रन्स ये अर्धशतक से तो नहीं पूरा होने वाला, कम से कम एक 100 रन चाहिए यहाँ पर, और कोई अगर 150 रन बना दे तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। लाल यहाँ पर विराट कोहली जो है वो अच्छा खेल रहा है, काफ़ी सही खेल रहा है, 29 बॉल्स में 51 रन्स। यहाँ पर सामने की तरफ ये शॉट है, पहला रन ले लिया है, दूसरे रन की कोशिश नहीं की, 7 रन आ चुके हैं इस ओवर में अभी तक के, और रिक्वायर्ड रन रेट जैसा कि आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा नहीं है, 8.67 का है। पर यहाँ पर जो चीज़ हमें परेशान कर रही है ना, वो रिक्वायर्ड रन रेट नहीं है, वो है विकेट्स। 4 विकेट गिर चुके हैं हमारी टीम के, और अगर 2-3 विकेट और गिर गए तो रन बनाएगा कौन, क्योंकि बाकी तो नीचे सब बॉलर्स ही हैं। अभी जैसे हार्दिक पांड्या है नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और अब वो फिलहाल स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं, तो हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर हैं। हार्दिक पांड्या के बाद जडेजा आएंगे, और जडेजा के बाद फिर अश्विन है, और यही सब लोग हैं। ओहो, क्या ये आउट है, हमारे हिसाब से ये पिचिंग आउटसाइड ऑफ थी, इम्पैक्ट भी आउटसाइड ऑफ था, देखना होगा। यहाँ पर इन भाई साहब ने DRS की मांग की है, रिव्यू की मांग की है, और देखना होगा। यहाँ पर हमारे हिसाब से ये पूरी तरीके से पिचिंग आउटसाइड ऑफ थी, और इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ भी थी, पिचिंग आउटसाइड ऑफ, इम्पैक्ट भी आउटसाइड ऑफ है, और जी हाँ बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा दूर है। पता नहीं ये कैसे कंफ्यूज़ हो गए वहाँ पर वो प्लेयर कि DRS की उन्होंने मांग कर ली, पर खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर वैगन व्हील की हम बात करें तो सब तरफ रन्स बनाए हमने, पर ये जो छक्के हैं ना वो अभी तक के एक भी देखने को मिले नहीं। और एक मज़ेदार बात यह है कि जब छोटा छोटा टारगेट चेज करना होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छक्के लग जाते हैं, और यहाँ पर 475 रन्स चेज करना है जिसमें से 300 रन हमने चेज कर लिए हैं ऑलरेडी, और अभी तक के एक भी छक्का नहीं लगा है, क्या बात है। बजाय इसके रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी नीचे चल रहा है, काफ़ी कम चल रहा है, अच्छी बात है ऐसे ही चलता रहे। फिलहाल यहाँ पर विराट कोहली जो हैं वो 47 बॉल्स में 75 रन्स पर पहुँच चुके हैं, और ओहो यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा नहीं था, वो अच्छी बात है कि टाइमिंग की वजह से और फील्डर की ख़राब फील्डिंग की वजह से एक सिंगल मिल गया हमें। रविंद्र जडेजा जो हैं वो स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं, फुल लेंथ की बॉल, सामने की तरफ खेलने की कोशिश नहीं, पीछे की तरफ खेला, पहले हम सोच रहे थे कि सामने की तरफ खेलें, फिर हमने सोचा कि पीछे की तरफ खेला जाए, अगर थोड़ा सा फाइन खेल गए तो चौका मिल सकता है। यहाँ पर फिर से पीछे की ही तरफ खेला जाए क्या, क्योंकि चौके का चांस है उधर, और फिर से वहीं खेलना चाहते थे, पर उतने अच्छी तरीके से हम कट नहीं कर पा रहे बॉल को। इस ओवर में 4 बॉल हो चुकी है और 4 रन आए हैं अभी तक के मात्र, थोड़े से ज़्यादा तेज़ी के साथ हमें खेलना होगा। यहाँ पर एक और सिंगल मिलेगा, पर इस ओवर में अभी तक की एक भी बाउंड्री नहीं आई है, और 116 बॉल में 167 रन्स चाहिए, अब पता नहीं ये काम कैसे होगा। खैर यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल है, फिर से पीछे की तरफ खेलना चाहते थे पर फिर से नहीं कट कर पाए, 6 बॉल 6 रन, ये ओवर बहुत ही मतलब साधारण रहा, ख़राब तो नहीं कह सकते पर साधारण ओवर रहा ये। और फिलहाल यहाँ पर इस ओवर की बात करें या इन बिल्डिंगों की बात करें तो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा थी, पर बीच में ये 22वें ओवर पे जब विकेट गिरा है ना, और वो मेरे ख्याल से शायद विराट कोहली का विकेट रहा होगा, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ खेल रहे थे, पर उनके विकेट गिरने के बाद से थोड़ा सा धीमे हो गई है स्थिति। यहाँ पर रविंद्र जडेजा जो है वो 19 बॉल में 28 रन, और इस एक बॉल के साथ 20 बॉल में 29 रन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये फुल लेंथ की बॉल है, पीछे की तरफ शॉट खेला है, 1 रन ले लेंगे, 2 रन की कोशिश, अरे रे रे रे, डाइव लगानी पड़ेगी और पहुंच गए हैं। ये बहुत ही सही फैसला कि वहाँ पर हमने डाइव लगा दी, क्योंकि अगर डाइव नहीं लगी होती तो बिल्कुल विकेट चला जाता। यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल है, फिर से पीछे की तरफ शॉट खेला है, पहला रन
पूरा कर लिया दूसरे रन के लिए, फिर से भागे हैं, पर इस बार तो आसानी से पहुंच जाएंगे क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट्स इस बार अच्छी थी। पहला रन पूरा करते ही दूसरे के लिए भाग गए, तो इसलिए आसानी से पूरा हो गया। यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल, फिर से पीछे की तरफ शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है पर बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा दूर रह गए और इसी के साथ इस बॉल के साथ एक चौका मिला है। रविचंद्रन अश्विन 10 बॉल में 19 रन यानी कि 190 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे हैं। यहाँ पर एक चौका मिल सकता है और बिल्कुल मिला है। इनके स्ट्राइक रेट में थोड़ा सा और इजाफा होते हुए 200 के ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट हो चुका है। और हमने बीच में कहा था कि रविचंद्रन अश्विन आएंगे और कुछ और लोग आएंगे, तो यहाँ पर फिलहाल रविचंद्रन अश्विन जो है वो एक अच्छी इनिंग्स खेलते हुए दिख रहे हैं। एक सपोर्टिव इनिंग्स तो नहीं कह सकते पर इम्पैक्टफुल इनिंग्स कह सकते हैं। और यहाँ पर फिलहाल हमारी टीम ने स्ट्रेटजिक टाइम आउट लिया है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से विकेट्स ज़्यादा बचे नहीं हैं और रन अभी भी कुछ बचे हैं चेज़ कर रहे हैं। 414 रन बना दिए हमारी टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर। और रविचंद्रन अश्विन 26 बॉल में 43 रन पर पहुँच चुके हैं इस एक सिंगल के साथ। अब जीत के लिए चाहिए 60 रन 47 बॉल्स में। देखना होगा 47 बॉल्स में ये 60 रन क्या पूरे हो पाएंगे या फिर जो बचे हुए 3 विकेट हैं वैसी कुछ स्थिति आ सकती है, ऑल आउट का कुछ चांस बन सकता है। ऐसे हम ऐसा चाहेंगे नहीं पर अगर ऐसा हो गया तो किया भी क्या जा सकता है। पर खैर यहाँ पर कुलदीप यादव स्ट्राइकर एंड पर हैं। यॉर्कर लेंथ की बॉल है, एक सिंगल लेने की कोशिश, 17 बॉल में 31 रन्स, बिल्कुल एक सिंगल ही लेंगे हम। आधा ही ओवर हो चुका है और 3 ही रन आए हैं इस ओवर में अभी तक के। यहाँ पे यॉर्कर लेंथ की बॉल है, सामने ही खेला जाए, इधर उधर मारने से बढ़िया क्योंकि अगर पीछे की तरफ खेलने जाते और बैट को हम नहीं टच करा पाते, बैट को नहीं मिडल कर पाते तो यहाँ पर फिलहाल ओहो हो ये थोड़ा सा खतरनाक शॉट था क्योंकि अगर इसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर बैट वहाँ पर नहीं लगा होता और बॉल पैड पर लगी होती तो बिल्कुल यहाँ से वापस जाना पड़ सकता था रविचंद्रन अश्विन को। यॉर्कर लेंथ की ये बॉल है, पीछे की ही तरफ खेलने की कोशिश करेंगे और एक सिंगल ले लिया है इस बॉल के साथ। आज के मैच में जिन्होंने सबसे कमज़ोर बॉलिंग की, या सबसे कमज़ोर तो नहीं कह सकते, सबसे ख़राब ही कहेंगे, वो थे रविंद्र जडेजा। और वैसे तो किसी ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की क्योंकि अगर एक प्लेयर ने ख़राब की हो तो समझ में आता है, पर 475 रन ये एक प्लेयर के कमज़ोर होने से तो नहीं बने, ये पूरी टीम ने बेकार किया है। और यहाँ पर एक डबल ले लिया है इन दोनों प्लेयर्स ने और इस एक डबल के साथ कुलदीप यादव जो है वो 61 रन्स पर पहुँच चुके हैं 36 बॉल में 61 रन। शुरुआत में हमें लगा था कि ये 475 रन्स कैसे चेज होंगे, पर उस समय हमने कहा कि कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पर शुरुआत करते हैं, एक एक रन लेने की कोशिश करते हैं, स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान देते हैं। तो बस वही चीज़ करते गए और पूरा हो गया। तो आज के मैच से एक चीज़ तो समझ में आई कि अगर आप करते रहें, थोड़ा सा सब्र बांध के रखें तो चीज़ें पूरी हो सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर 467 रन्स 8 विकेट और ओहो हो ये सामने की तरफ बहुत लाजवाब शॉट है और कुलदीप यादव इतना फ्लैट वन बाउंस चौका, क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा फ्लैट वन बाउंस चौका था ये। और इस वन बाउंस चौके के साथ अब सिर्फ और सिर्फ एक और चौका ही चाहिए जीत के लिए। सामने की तरफ एक सिंगल लेंगे, कोई गलत शॉट नहीं खेलेंगे क्योंकि कुछ ही रन चाहिए जीत के लिए, तो बिना मतलब में विकेट गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यॉर्कर लेंथ की बॉल है और सामने की तरफ खेला है, एक सिंगल ले लेंगे और वापस से स्ट्राइकर एंड पर रखेंगे जसप्रीत बुमराह को। अब यहाँ पर जीत के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रन चाहिए और 6 बॉल बची है, देखना होगा क्या कुछ सीन रहता है।
फुल लेंथ की बॉल और एक रन ऑन साइड की तरफ खेला है, एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा। डबल के लिए नहीं भागे, अगर भागते तो डाइव वाइव लगा के हो सकता था, पर कोई ज़रूरत नहीं उस चीज़ की। यहाँ पर फिलहाल ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश करेंगे। फुल लेंथ की बॉल पहले रन के लिए भागे है और बिल्कुल पूरा किया, आसानी के साथ पूरा किया है। और इसी के साथ हमारी टीम ने, इंडियन टीम ने इस मैच को जीत लिया है। बहुत ही बड़ा टारगेट था, पर उस टारगेट को चेस करने में विराट कोहली 64 बॉल्स में 93 रन्स, इनकी जो इनिंग्स थी भले ही सेंचुरी नहीं आई, पर ये 93 रन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रन्स थे।